ओके गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर तो जो थर्टीन पॉइंट फोर है वो अपना स्पेयर हेमिसफेयर के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया किसी भी स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वेयर अब देखिए ये फोर पाई आर स्क्वा कैसे आया आप एक स्पेयर लीजिए ठीक है और उस स्पेयर का जो रेडियस है ठीक है उस रेडियस के आप चार सर्किल्स बनाइए ठीक है थीके? तो जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं चार रेड सर्किल्स ठीक है तो वो चार रेड सर्किल्स का जो एरिया होगा ठीक है वो उस को कवर कर लेगा पूरा का पूरा ठीक है उसके सरफेस को अगर आप सबसे नीचे वाला सर्किल देखेंगे रेड सर्किल ठीक है तो यहाँ पे आपको मोशन करता हुआ दिखेगा अगर इस रेड सर्किल को अगर मैं पेस्ट करूँ और वैसे ही बाकी के तीन सर्किल्स को अगर मैं पेस्ट करूँ तो जो मेरा स्पेयर है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा ठीक है तो एक सर्किल का एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वेयर तो उस फ्फेयर को कवर करने के लिए ऐसे मुझे कितने सर्किल चाहिए होंगे मुझे चार सर्किल चाहिए होंगे ठीक है तो इससे स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया फोर पाई आर स्क्वायर क्लियर है ये चीज़ ओके स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया अपन इस इलस्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं ठीक है ध्यान से देखिए अगर स्पेयर को मैं काट के इस तरह से ओपन करूँ ठीक है और इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर लूँ तो वो जो रेक्टेंगुलर शेप होगी ठीक है उसकी लेंथ तो कितनी होगी टू पाई आर और उसकी विड्थ कितनी होगी टू आर तो अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही मेरे स्वेयर का कर्व सरफ़ेस एरिया होगा तो टू पाई आर इंटू टू आर आप करेंगे तो आपको मिलेगा फोर पाई आर स्क्वायर यानी मेरे स्वेयर का कर्व सरफ़ेस एरिया कितना हुआ फोर पाई आर स्क्वायर अच्छा एक चीज और स्वेयर में मैं कर्व सरफ़ेस एरिया बोलूँ या टोटल सर्फेस एरिया बोलूँ बोलू? एक ही बात है क्यों क्योंकि स्वेयर का जो सरफेस है वो पूरा का पूरा कर्व्ड है ठीक है तो स्वेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग अलग नहीं होता ठीक है क्योंकि पूरा पार्ट कर्व है तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया क्लियर है ये चीज ओके अभी अपन ने समझा स्वेयर का सरफेस एरिया ठीक है जो कि होता है फोर पाया स्क्वेयर अब यहाँ पे फिगर थर्टीन पॉइंट टू जीरो में अगर आप देखेंगे मैंने क्या किया है मैंने एक स्वेयर को बीच में से काट दिया ठीक है तो मेरे पास क्या हो गया मेरे पास दो हैमिस्फेयर्स आ गए ठीक है जो दो पोर्शन में कट हुआ है उस शेप को अपन क्या बोलते हैं हेमिसफेयर यानी आधा स्वेयर ठीक है तो अब हेमिसफेयर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो कर्व वाला पार्ट होगा इसका जो एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्वेयर के हाफ होगा कि नहीं होगा क्यों क्योंकि अपन ने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया तो नीचे वाला हेमिसफेयर और ऊपर वाला हेमिसफेयर ठीक है दोनों का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा नीचे वाले का टू पाई आर स्क्वायर होगा और ऊपर वाले का भी टू पाई आर स्क्वायर होगा अब अगर मैं सिर्फ एक हेमिसफेयर की बात करूँ ठीक है तो एक हेमिसफेयर का मेरे पास कर्व सरफेस एरिया क्या हो होगा टू पाई आर स्क्वायर होगा जो कि है मेरे स्वेयर के कर्व सरफेस एरिया का हाफ़ क्लियर है चीज़ बट जो हैमिस्फेयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया के इक्वल नहीं होता ठीक है उसका रीज़न देखिए हेमिसफेयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया के अलावा ठीक है एक फ्लैट सरफेस भी होता है जो कि एक सर्कुलर शेप का होता है अगर आप हेमिसफेयर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नीचे सर्कुलर फ्लैट पोर्शन भी है ठीक है उस फ्लैट सर्कुलर पोर्शन का एरिया आपके पास क्या होगा पाईआर स्क्वायर होगा क्लियर है एक सर्किल का एरिया क्या होता है पाईआर स्क्वायर तो अब अगर मैं मेरे हेमिस्फीयर का कर्व सर्फेस एरिया जो कि है टू पाईआर स्क्वेयर प्लस फ्लैट वाला एरिया सर्किल का जो कि है पाईआर स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास हेमिस्फीयर का टोटल सर्फेस एरिया बन जाएगा तो मैंने क्या किया टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कर दिया किस चीज़ के लिए टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए तो टू पाई आर स्क्र प्लस पाई आर स्क्वेयर आपके पास कितना आ गया थ्री पाईआर स्क्वायेर तो क्लियर है अब आपके पास तीन फॉर्मूले हो गए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्र जो कि फोर पाई आर स्क्वायेर फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि टू पाई आर स्क्र फिर टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि है थ्री पाईआर स्क्वेयर क्लियर है ओके तो पिक करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल सेवन एक्जाम्पल में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके बता दूंगा देखिए एग्जाम्पल सेवन में आपको क्या बोल रहा है कि आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है स्वेयर का जिसकी रेडियस आपको क्या दे रखी है सेवन दे रखी है तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है उसको सॉल्व करना है तो स्वेयर का सरफेस एरिया मुझे मालूम है क्या होता है फोर पाई आर स्क्वेयर होता है क्लियर है और आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है सेवन दे रखी है ठीक है तो आर की जगह मैं सेवन लिख दूंगा तो हो जाएगा सेवन स्क्र यानी फोर इंटू पाई इंटू सेवन इंटू सेवन क्लियर है चीज तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा सिक्स वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर उसके बाद आते हैं एग्जांपल नंबर एट पे एग्जांपल नंबर एट में आपको क्या बोल रहा है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका हेमिसफेयर का जिसकी रेडियस आपको कितने देर रखिए ट्वेंटी वन सेंटीमीटर क्लियर है तो अगेन कुछ भी नहीं करना कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर के फार्मूले में वैल्यू रखनी है और टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर के फार्मूले में वैल्यू रखनी है जस्ट आपको अगर फार्मूला सही ध्यान है तो गलत होने के चांसेस बहुत कम है तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमस्फेयर क्या होता है टू पाई आर स्क्वायेर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर क्या होता है थ्री पाई आर स्क्वेयर ठीक है यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी ट्वेंटी वन ठीक है तो आपने वैल्यूज रखी और उसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे क्लियर है चीज अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन पे एग्जाम्पल नंबर नाइन में आपको बोल रहा है कि आपके पास एक होलो है ठीक है उस होलो में एक मोटरसाइकिल वाला क्या करता है स्टंट करता है स्टंट क्या करता है उस स्पेयर के अंदर मोटरसाइकिल चलाता है अगर आपने सर्कस कहीं देखा हो मूवीज़ में या फिर एक्चुअल में तो एक बहुत बड़ा सा गोला टाइप का शेप होता है उसके अंदर मोटरसाइकिल चलाते हैं बहुत स्पीड में क्लियर है तो वो जो स्पेयर है जिसके अंदर वो स्टंट मास्टर मोटरसाइकिल चला रहा है उसका डायमीटर आपको कितना दे रखा है उसका डायमीटर आपको सेवन मीटर दे रखा है ठीक है तो आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है जिसपे मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है उस स्पेयर का टोटल सर्फेस एरिया पूछ रहा है ठीक है तो स्पेयर का आपको डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हैं मुझे मालूम है टू आर इक्वल टू डी यानी डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो अगर मैं डायमीटर का हाफ कर दूं तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी क्लियर है और स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो आर की जगह मैंने क्या रख दिया थ्री पॉइंट फाइव क्यों क्योंकि मेरा डायमीटर सेवन था फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मुझे मिला वन फिफ्टी फोर मीटर स्क्वेयर क्लियर है चीज ओके अब भी करते हैं एग्जाम्पल नंबर टेन तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर टेन की फिगर देखते हैं ठीक है फिर उसको समझते हैं ओके एग्जाम्पल नंबर टेन में आपको क्या दे रखा है एक हेमिसफेरिकल शेप का डोम दे रखा है ठीक है जो कि आप फिगर से देख सकते हैं ये जो शेडेड पार्ट है ये हेमिसफेरिकल शेप है क्लियर है तो इस डोम का जो सर्कुलर बेस है तो उसका आपको क्या दे रखा है सर्कम दे रखा है सर्कम फ्रेंस अगर आपको उसका दे रखा है जो कि कितना है सेवनटीन पॉइंट सिक्स मीटर क्लियर है तो आपको क्या करना है ये जो सर्कुलर शेप है इसको आपको पेंट करना है और पेंट का जो चार्ज दे रखा है आपको वो दे रखा है रुपीज़ फाइव पर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन रेडियस निकालते हैं डोम का तो रेडियस कैसे निकालेंगे देखिए मुझे सर्कमफ्रेंस दे रखा है कितना दे रखा है सेवनटीन पॉइंट सिक्स मीटर तो अब मुझे मालूम है, है, तो है? है किसी भी सर्कल का अगर मेरे पास सर्कमफ्रेंस है तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है टू पाई आर होता है किसी भी सर्किल का तो टू पाई आर इक्वल टू सेवनटीन पॉइंट सिक्स मुझे दे रखा है तो अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं आर की वैल्यू बड़े इजीली निकाल सकता हूँ तो देखिए टू पाई की वैल्यू रख देता हूँ ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू आर इक्वल टू सेवनटीन पॉइंट सिक्स अब देखिए सेवन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उधर जाके न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और टू यहाँ पे न्यूमिनेटर में उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और सिमिलरली ट्वेंटी टू भी तो आर मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा सेवनटीन पॉइंट सिक्स इंटू सेवन डिवाइडेड टू इंटू ट्वेंटी टू क्लियर है तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यही किया गया है तो इसको अगर उसने सॉल्व किया तो उसको आंसर कितना मिला टू पॉइंट एट मीटर यानी टू पॉइंट एट मीटर क्या है जो मेरा डोम है हेमिसफेयर शेप का उसका जो बेस सर्किल है उसका रेडियस है क्लियर है तो मैंने रेडियस निकाल दिया अब मुझे क्या करना है मुझे जो एरिया पेंट करना है वो क्या है उस हेमिसफेयर का कर्व सर्फेस एरिया वो मुझे पेंट करना है तो मैं क्या करूँगा उस हेमिसफेयर का कर्व सर्फेस एरिया निकाल निकालूँगा कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला मुझे मालूम है टू पाई आर होता है आर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जस्ट आर की वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू टू पॉइंट एट इंटू टू पॉइंट एट इसको जब उसने सॉल्व किया तो उसको क्या मिला फोर्टी नाइन पॉइंट टू एट मीटर स्क्वायर क्लियर है अब मुझे सिर्फ उस हेमिसफेयर का कर्व सर्फेस एरिया नहीं पूछा मुझे एक्चुअली में पूछा है कि उसको पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी क्लियर है तो देखिए हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं पेंट करता हूँ तो मुझे फाइव रुपीज़ पे करना पड़ता है क्लियर है तो इससे मैं क्या निकाल लेता हूँ इससे मैं वन मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट निकाल लेता हूँ देखिए समझिए कैसे निकाली यहाँ पे देखिए हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है मैं कितना पे कर रहा हूँ मैं रुपीज़ फ़ाइव पे कर रहा हूँ तो सबसे पहले एक काम कीजिए इस सेंटीमीटर स्क्वेयर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए तो मुझे ये चीज़ मालूम है अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है ठीक है सपोज कीजिए मेरे पास हंड्रेड सेंटीमीटर है तो उसको अगर मैं मीटर में, में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे वन मीटर मिलेगा क्लियर है यानी मैंने यहाँ पे क्या किया सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से डिवाइड किया अब यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा हंड्रेड से दो बार डिवाइड करना पड़ेगा क्लियर है तो इधर मैंने हंड्रेड से दो बार डिवाइड किया ठीक है तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन हंड्रेड मीटर स्क्वेयर तो उसका आपको कितना पे करना पड़ेगा रुपीज फाइव पे करना पड़ेगा एक्चुअली मैं वन अपॉन हंड्रेड मीटर स्क्वेयर बोलूँ या हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर बोलू एक ही बात है तो हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर का मुझे फाइव रुपीज़ पे करना पड़ रहा है तो हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर को ही मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो कितना है वन अपॉन हंड्रेड मीटर स्क्वायर ठीक है तो उसका भी मुझे फ़ाइव रुपीज़ पे करना पड़ेगा अब देखिए अगर वन अपॉन हंड्रेड मीटर स्क्वायर का मुझे फ़ाइव रुपीज़ पे करना है तो मैं अगर दोनों तरफ हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा वन अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड मीटर स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा फाइव इंटू हंड्रेड ठीक है देखिए हंड्रेड से हंड्रेड गया तो इधर आ गया वन मीटर स्क्वायर और इधर कितना आ गया फाइव हंड्रेड रुपीज़ क्लियर है यूनिटरी मेथड तो मुझे वन मीटर स्क्वायर का फाइव हंड्रेड रुपीज़ पे करना पड़ेगा ये मैंने निकाल लिया और ये मैंने क्यों निकाला क्योंकि मेरा जो एरिया आया था वो मीटर स्क्वायर में आया था ठीक है तो मुझे जो रेट चाहिए वो भी मुझे मीटर स्क्वायर में ही चाहिए होगी ठीक है तो यहाँ पे इसने ये निकाल लिया कि वन मीटर स्क्वायर का मुझे फाइव हंड्रेड रुपीज़ पे करना पड़ रहा है अब एक बात बताइए वन मीटर स्क्वायर का फाइव हंड्रेड मैं पे कर रहा हूँ टोटल मुझे कितना एरिया पेंट करना है फोर्टी नाइन पॉइंट टू एट मीटर स्क्वेयर पेंट करना है ठीक है तो इसको पेंट करने के लिए मेरी टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी फोर्टी नाइन पॉइंट टू एट इंटू फाइव हंड्रेड ठीक है तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ट्वेंटी फोर सिक्स फोर जीरो क्लियर है तो आपको ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ पे करना पड़ेगा ओके okay, तो आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर ओके पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में मेरे पास तीन पार्ट्स हैं ओके okay, और तीनों पार्ट में मुझे क्या करना है मुझे इन डायमेंशन से जो स्पेयर बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे ये चीज़ मालूम है मेरे सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है फोर पाई आर स्क्वेयर ठीक है तो तीनों पार्ट में यही फार्मूला अप्लाई होगा जस्ट आर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी फर्स्ट केस में आर टेन पॉइंट फाइव है सेकंड केस में फाइव पॉइंट सिक्स है और थर्ड केस में फोर्टीन है तो देखिए फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा फोर इंटू पाई पाई की वैल्यू रख देता हूँ मैं ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर स्क्वेयर यानी टेन पॉइंट फाइव इंटू टेन पॉइंट फाइव क्लियर है तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा वन थ्री एट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेयर क्लियर है सेकेंड वाले पार्ट में आर की वैल्यू अपन क्या रखेंगे फाइव पॉइंट सिक्स ठीक है तो जाएगा फाइव पॉइंट सिक्स इंटू फाइव पॉइंट सिक्स ठीक है फोर इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन फोर इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन वो सब में सेम रहेगा तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री नाइन फोर पॉइंट टू फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर और लास्ट पार्ट बचता है उसमें क्या करेंगे आर की वैल्यू अपन रखेंगे फोर्टीन ठीक है तो ये हो जाएगा फोर्टीन इंटू फोर्टीन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टू फोर सिक्स फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर ओके अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर टू ओके क्वेश्चन नंबर टू में जो मुझे तीन डायमीटर्स दे रखे हैं अगेन मुझे क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालना है तो अब एक चीज़ बताइए अगर ये डायमीटर्स हैं तो मैं रेडियस आराम से निकाल सकता हूँ डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है जस्ट टू से डिवाइड करना पड़ता है तो फोर्टीन बाय टू मेरे पास कितना हो जाएगा सेवन यानी सेवन सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया रेडियस ट्वेंटी वन बाय टू मेरा कितना हो जाएगा टेन पॉइंट फाइव यानी टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया रेडियस और थ्री पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू मेरे पास कितना हो जाएगा वन पॉइंट सेवन फाइव मीटर ठीक है तो ये मैंने डायमीटर से रेडियस निकाल दी उसके बाद मुझे क्या करना है कुछ भी नहीं करना फोर पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाना है और वैल्यूज निकालनी है ठीक है तो देखिए ये हो जाएगा फोर इन ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सिक्स वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर है सेकेंड वाले केस में देखिए फोर इंटू ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू टेन पॉइंट फाइव इंटू टेन पॉइंट फाइव इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वन थ्री एट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर है अब आता है लास्ट पार्ट इसमें भी वही करना है फोर इंटू ट्वेंटी टू सेवन इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा थर्टी एट पॉइंट फाइव मीटर स्क्वेयर क्लियर है ओके okay, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ओके क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है कितना टेन सेंटीमीटर किसका दे रखा है हेमिसफेयर का दे रखा है और आपको टोटल सर्फेस एरिया निकालना है तो देखिए मुझे ऑलरेडी मालूम है हेमिसफेयर का टोटल सर्फेस एरिया होता है थ्री पाई आर स्क्र कर्व सर्फेस एरिया होता है टू पाई आर स्क्वेयर तो मुझे क्या निकालना है टोटल सर्फेस एरिया तो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा और फॉर्मूले में मुझे क्या करना है जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है तो पाई को तो मैंने लिख दिया ट्वेंटी टू बाय सेवन और आर की जगह मुझे क्या लिखना है टेन तो यह है आर स्क्वायर यानी टेन इंटू टेन इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा नाइन फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये मेरा आंसर ओके पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ओके क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या बोल रहा है आपके पास एक बैलून है बैलून कौन सी शेप का है स्फेरिकल शेप का है ठीक है एकदम परफेक्ट स्फेरिकल शेप है तो उसका जो रेडियस है वो कितना है सेवन सेंटीमीटर का है अब उसमें आपने क्या किया हवा भरी तो हवा भरी तो बैलून की साइज़ बड़ी हो गई और उसका रेडियस इंक्रीज़ हो गई कितना हो गया फोर्टीन सेंटीमीटर तो आपको क्या करना है जो दोनों केस में बैलून का सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो निकालना है यानी इस रेडियस से जो सरफेस एरिया होगा अपॉन इस रेडियस से जो सरफेस एरिया होगा तो उन दोनों का आपको रेशियो निकालना है तो देखिए अगर रेडियस ये है तो सरफेस एरिया क्या होगा फोर पाई सेवन स्क्वायर यानी फोर पाई आर स्क्वायर होता है और इस वाले केस में रेडियस क्या होगा फोर पाई फोर्टीन स्क्वायर क्लियर है क्योंकि तो यहाँ पे रेडियस फोर्टीन है अब देखिए कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे फिर इससे जो वैल्यू आएगी अपॉन इससे जो वैल्यू आएगी ठीक है इस तरह से रेशो निकालेंगे तो ये एक टाइम वेस्ट है ठीक है इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं देखिए है, कैसे मुझे मालूम है कि मुझे दिस अपॉन दिस करना है ठीक है तो जब मुझे ऑलरेडी मालूम है मुझे कुछ डिवाइड करना है तो चांसेस है कि बहुत कुछ कट सकता है तो ऐसे केस में आप मल्टीप्लाई ही मत कीजिए तो देखिए मुझे फर्स्ट वाले केस का सर्फेस एरिया मेरे पास है फोर पाई सेवन स्क्वायेयर सेकेंड वाले केस का सर्फेस एरिया है मेरे पास फोर पाई फोर्टीन स्क्वायर ठीक है तो अब आप ध्यान से देखिए फोर पाई से फोर पाई गया मैंने कितनी कैलकुलेशन सेव कर ली यहाँ पे समझ रहे हैं आप अब मेरे पास क्या है सेवन इंटू सेवन अपॉन फोर्टीन इंटू फोरटीन तो देखिए सेवन से फोटीन गया तो इधर आया टू इस वाले सेवन से ये वाला फोर्टीन गया तो इधर आया टू तो ये क्या हो गया वन इंटू वन अपॉन टू इंटू टू तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर तो मेरा रेशो क्या आ गया वन इज़ टू फोर यानी जो मेरा स्पेरिकल बैलून था उसका अगर मैं रेडियस सेवन से फोटीन करता हूँ तो मेरे सरफेस एरिया पे कितना फ़र्क पड़ता है फोर टाइम्स का क्लियर है क्योंकि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या है वन इज़ टू फोर ओके okay, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको बोल रहा है कि आपके पास एक हेमिसफेरिकल बाउल है ठीक है ब्रास का तो उसका जो इनर डायमीटर है वो है टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब आपको क्या करना है उस उसमें टिन प्लेटिंग करनी है अंदर की तरफ और उस टिन प्लेटिंग करने के जो चार्जेस दे रखे हैं मुझे वो कितने दे रखे हैं सिक्सटीन रुपीज़ पर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर क्लियर है तो ये मेरी रेट है तो देखिए समझिए जो बाउल है वो मेरा हेमस्फेरिकल शेप का होगा उसको मुझे टिन प्लेटिंग करनी है तो यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे कर सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि तो बाउल तो ऊपर से खुला होता है तो मुझे सिर्फ कर सरफेस एरिया वाले पे टिन प्लेटिंग करनी होगी तो मैं क्या लगाऊंगा टू पाई आर स्क्वायर यानी कर सरफेस एरिया ऑफ दैट बाउल तो देखिए टू इन टू अब टेन अगर डायमीटर है तो रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा टेन डिवाइडेड बाय टू तो वो मेरे पास कितना आएगा फाइव पॉइंट टू फाइव क्लियर है तो फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव क्यों क्योंकि फार्मूला क्या होता है टू पाई आर स्क्वायर तो आर मेरा क्या है फाइव पॉइंट टू फाइव ठीक है अब अगर मैं सेवन से फाइव पॉइंट टू फाइव काटूंगा तो मुझे मिलेगा ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव तो ये मेरा कितना हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव क्लियर है और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये जो एरिया है इतना एरिया मुझे क्या करना है टिन प्लेट करना है तो अब आते हैं रेट पे अब अगर मुझे एक सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट दी होती तो मेरा काम हो जाता बट मुझे यहाँ पे रेट क्या दे रखी है हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर की दे रखी है तो हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर के मुझे कितने पे करने पड़ेंगे सिक्सटीन रुपीज़ पे करने पड़ेंगे तो अगर यूनिटरी मेथड में अप्लाई करूँ तो वन सेंटीमीटर स्क्वायर के मुझे कितने पे करने पड़ेंगे सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड रुपीज़ पे करने पड़ेंगे क्या किया मैंने हंड्रेड से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो अब मेरे पास वन सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट आ गई तो वन सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर मुझे इतना पे करना है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का मुझे कितना पे करना पड़ेगा मुझे दिस इंटू दिस करना है क्लियर है ये चीज़ यानी अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो वन सेवेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव इंटू सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन टू रुपीज़ क्लियर है तो ये टोटल मेरी कॉस्ट आएगी ओके पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में मुझे क्या निकालना है मुझे रेडियस निकालनी है और मुझे सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है किसका स्पेयर का तो मुझे मालूम है स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है फोर पाई आर स्क्वेयेर जो कि मुझे कितना दे रखा है वन फाइव फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर तो देखिए ये तो बहुत ईजी है जस्ट एक इक्वेशन बन गई इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है वो क्या है आर ठीक है तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी तो देखिए ये क्या हो जाएगा फोर इंटू ट्वेंटी टू बाय सेवन आर स्क्वेयर इक्वल्स टू वन फिफ्टी फोर तो आर स्क्वायेर मेरा कितना हो जाएगा सेवन तो ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा वन फिफ्टी फोर इंटू सेवन और ट्वेंटी टू और फोर वो नीचे की तरफ आ जाएंगे ठीक है तो ये हो जाएगा फोर इंटू ट्वेंटी टू क्लियर है तो अब देखिए बच्चे ये कैलकुलेशन देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं स्क्वेयर स्क्वायर रूट वाली बट घबराने की जरूरत नहीं है देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले तो काटना स्टार्ट कीजिए जो जो कट रहा है तो देखिए सबसे पहले मैंने टू से काटना स्टार्ट किया क्लियर है तो यहाँ पे जब मैंने टू से काटा तो यहाँ पे मुझे मिला इलेवन और ऊपर मेरे पास क्या मिला सेवेंटी सेवन क्लियर है ये देखते ही तो कॉन्फिडेंस आया होगा एलेवन और सेवेंटी सेवन वापस कटेंगे इधर तो क्या आ जाएगा वन इधर क्या आ जाएगा सेवन क्लियर है तो देखिए ये क्या हो गया सेवन इंटू सेवन अपॉन फोर तो देखिए आर स्क्र अगर मेरे पास सेवन इंटू सेवन कितना है फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन अपॉन फोर तो आर मेरे पास कितना होगा आर होगा इसका अंडर रूट यानी फोर्टी नाइन अपॉन फोर का अंडर रूट तो देखिए फोर्टी नाइन भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और फोर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर मेरे पास क्या आएगा सेवन बाय टू तो सेवन बाय टू मेरा कितना होता है थ्री पॉइंट फाइव यानी मेरा रेडियस कितना आया थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्लियर है ओके okay. पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में मुझे क्या बोल रहा है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का वन फोर्थ है तो आपको दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है क्लियर है तो देखिए ब्लैक वाला तो आप मेरा मून मान लीजिए और रेड वाली मेरी अर्थ है ऐसा समझिए क्लियर है तो अब आपको बोला है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का वन फोर्थ है तो अगर मैं मून का डायमीटर स्मॉल डी मानूँ और अर्थ का डायमीटर कैपिटल डी मानूँ ठीक है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा स्मॉल डी होगा वो कैपिटल डी का वन बाय फोर होगा तो ये मेरा रिलेशन हो जाएगा ठीक है अगर अब मैं इसको सॉल्व करूँ यानी फोर को उधर ले जाऊँ तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा रिलेशन क्या है फोर डी इक्वल्स टू डी तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एज ए इक्वेशन बाकी मैं नीचे वाला रब कर देता हूँ अब मुझे क्या करना है मून का और अर्थ का सरफेस एरिया निकालना है तो देखिए अगर ये डायमीटर है तो रेडियस मेरा कितना होगा डी बाय टू होगा और अगर यहाँ पे अर्थ का डायमीटर ये है तो इसका रेडियस कितना होगा ये होगा तो अगर ये रेडियस है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा फोर पाए डी बाय टू का होल स्क्र और अर्थ का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फोर पाए डी बाय टू का होल स्क्वायर अब मुझे क्या करना है इनका रेशियो निकालना है यानी इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए फोर पाए डी बाय टू का होल स्क्वेयर अपॉन फोर पाए कैपिटल डी बाई टू का होल स्क्वेयर ठीक है तो फोर पाई से फोर पाई गया तो मेरे पास क्या बचा डी स्क्र अपॉन फोर क्योंकि डी बाई टू का होल स्क् था तो डी स्क्र अपॉन फोर हो गया होल डिवाइडेड बाय डी स्क्र अपॉन फोर तो अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी स्क्र अपॉन फोर डिवाइडेड बाय डी स्क्र अपॉन फोर ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में डी स्क्र अपॉन फोर इन टू रेसिप्रोकल कर दूंगा इसको फोर अपॉन डी स्क्वेयर देखिए फोर से फोर गया तो मेरे पास क्या आ गया डी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर ठीक है वन स्मॉल डी एंड वन इज़ कैपिटल डी तो ये मैंने इनका रेशियो निकाल दिया बट ये रेशियो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है तो इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ इस वाले रिलेशन का यूज़ करता हूँ देखिए d अपॉन d इसका होल स्क्वायर क्योंकि ऊपर स्मॉल d का स्क्वायर है और नीचे कैपिटल d का स्क्वायर है तो अपन स्मॉल d अपॉन कैपिटल d का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अब एक चीज़ देखिए कैपिटल डी को अगर मैं फोर डी से रिप्लेस कर दूँ इस रिलेशन को यूज़ करके तो ये क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा डी अपॉन फोर डी इसका होल स्क्वायर तो देखिए डी से डी गया तो ये कितना आ जाएगा वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर तो वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर कितना होगा वन अपॉन सिक्सटीन तो रेशियो मेरा कितना आ गया वन इज़ टू सिक्सटीन क्लियर है यानी अगर मेरा डायमीटर वन एस टू फोर के रेशियो में है और रेडियस भी ऑब्वियसली वन एस टू फोर के रेशो में है तो मेरा सरफेस एरिया क्या होगा वन एज टू सिक्सटीन के रेशियो में होगा यानी जो रेशियो डायमीटर का है उसका स्क्वायर कर दिया अपन ने एक प्रकार से ओके okay, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर एट ओके क्वेश्चन नंबर एट में मुझे क्या बोल रहा है मेरे पास एक हेमिसफेरिकल बाउल है ठीक है जिसका थिकनेस मुझे दे रखा है थिकनेस कितना दे रखा है पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर उसका जो इनर रेडियस है बाउल का वो फाइव सेंटीमीटर है और आउटर का सरफेस एरिया मुझे निकालना है तो बाउल को कुछ इस तरह से समझिए ठीक है।, है मेरी ये जो थिकनेस है ये मुझे ज़ीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस मुझे कितना दे रखा है फाइव सेंटीमीटर दे रखा है यानी अगर मैं इसको सेंटर मानूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह ब्लैक वाला ठीक है ये कितना है फाइव सेंटीमीटर है तो अब अगर मैं सेंटर से आउटर वाला मेजर करूँ यानी यहाँ तक मेजर करूँ तो ये कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्लियर है तो अब देखिए मेरे पास एक्चुअली में दो हेमिसफेयरस हैं एक अंदर की तरफ बन रहा है एक बाहर की तरफ बन रहा है अब मुझे क्या करना है जो आउटर वाला कर्व सर्फेस एरिया है वो निकालना है ठीक है तो आउटर वाला कर्व सर्फेस एरिया निकालने के लिए मैं आउटर वाले हेमिसफेयर की रेडियस यूज़ करूँगा जो कि मैंने अभी निकाली है इनर वाले की रेडियस प्लस जो थिकनेस है यानी आउटर वाले हेमिसफेयर की रेडियस मेरे पास कितनी आई 5.25 सेंटीमीटर आई क्लियर है इसको यूज करके मुझे क्या करना है इस सेमी की कव सरफेस एरिया निकालना है तो देखिए कव सरफेस एरिया का मुझे अब तो फार्मूला मालूम है टू पाई आर स्क्वेयर तो मुझे जस्ट फार्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करनी है ठीक है तो आर की वैल्यू में क्या रिप्लेस करूंगा फाइव तो ये हो जाएगा फाइव पॉइंट टू तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा वन सेवन थ्री पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर क्लियर है ओके okay. अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन लास्ट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नाइन को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक फिगर ड्रॉ की है क्लियर है ऐसे सेम फिगर आप एन में भी देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या है एक स्वेयर पड़ा है किसके अंदर एक सिलेंडर के अंदर एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है यानी ऊपर भी एकदम सिलेंडर के टॉप तक आ रहा है और जो उसका विड्थ है वो भी एकदम सिलेंडर के विड्थ के इक्वल है क्लियर है और जो सिलेंडर की हाइट है वही मेरे स्पेयर की हाइट या फिर डायमीटर है और जो सिलेंडर की विड्थ या फिर बोल रहे हैं कि डायमीटर है वही मेरे स्वेयर की डायमीटर है तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक ठीक है ये मेरे सिलेंडर की डायमीटर है और यही मेरे स्पेयर की डायमीटर है तो अब अगर मैं मेरे सिलेंडर की रेडियस को आर मान लेता हूँ तो मेरे स्वेयर की रेडियस भी आर हो जाएगी और एक चीज़ ये ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है मेरे सिलेंडर की हाइट है और अगेन ये मेरे स्वेयर की डायमीटर है और डायमीटर है मतलब टू आर है तो देखिए सबसे पहले सिलेंडर की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं अपन सिलेंडर की मेरे पास रेडियस कितनी है मैंने आर मानी है और इधर स्फीयर की लिखते हैं स्फीयर की रेडियस मेरी कितनी है स्फीयर की रेडियस भी मेरे पास आर है ठीक है अब स्फीयर में तो मुझे रेडियस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए बट सिलेंडर में मुझे रेडियस के अलावा एक क्या चीज़ चाहिए हाइट चाहिए ठीक है तो अगर आप हाइट देखेंगे तो सिलेंडर की हाइट मेरे पास कितनी है टू आर है जो कि स्पेयर के डायमीटर के इक्वल है क्लियर है चीज़ अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में तो मुझे पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो मुझे मालूम है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है फोर पाई आर स्क्वेयर तो यही मेरा आंसर है ठीक है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व भी नहीं है तो आपको यहीं पे आंसर छोड़ना पड़ेगा ठीक है सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तो जो कि होता है टू पाई आर एच तो देखिए टू पाई आर मतलब रेडियस मेरी रेडियस कितनी है आर ही है एच मतलब हाइट ठीक है यहाँ पर टी लिखना भूल गया शायद ओके एच मतलब हाइट और मेरे सिलेंडर की हाइट कितनी है टू आर यानी इंटू टू आर तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा फोर पाई आर स्क्वेर यानी जो मेरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है फोर पाई आर स्क्वायर तो सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर हो गया अब थर्ड वाले पार्ट में पूछ रहा है आपसे रेशियो ऑफ द एरिया ऑप्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड तो इनका रेशियो निकालना है दिस अपॉन दिस तो देखिए फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर तो ये तो पूरा ही कट गया तो रेशियो क्या आ गया आपका वन अपॉन वन यानी वन इज़ टू वन इज माई रेशियो क्लियर है इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है ठीक है प्लीज़ डू प्रैक्टिस फ्रॉम द एक्स्ट्रा बुक आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल जो भी आपको पसंद है या आपकी कोई और वर्कशीट स्कूल की कहीं से भी ठीक है अपने आप एन सी आर टी तक लिमिटेड मत रखिए, ठीक है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो डोंट हेजिटेट जस्ट गिव अस ए कॉल विल ट्राई टू हेल्प यू आउट okay see you in the next video i'm your mentor make a difference nearby students can contact us for group and individual mentoring session our location is mentioned in video description others can contact us for online classes online doubt clearing sessions and for other online videos which are not publicly available on youtube thank you